तुझे क्या मुसीबत है? देखो ठीक से खाना, बाद में कुछ नहीं दूंगी, भूखा रहना होगा। शंकर, अरे शंकर, अरे शंकर, अरे जल्दी उठ, दूध लेके जाना है। क्या बताऊं मैं, अरे जल्दी उठ, दूध भी गिर गया। सूरज भी निकल गया, अब तक ये नहीं उठ रहे हैं। अरे जल्दी आओ ना, ना जाने उसे क्या कहूं। सभी समय सोना है, ये लो। अरे मुंह तो धो के जाओ ना। ए, तुम्हारा शूज नहीं है क्या? अरे चोट, मुझे शूज ने अच्छा नहीं लगता। दोपहर को खाने के लिए मैं इतना दूर चलता हूँ। अगर खाने के लिए तो जा रहे हैं, घर में ही रह सकते हैं ना। अरे यूं ही बैठेगा तो कौन खाना खिलाएगा? बापू भैया को काम के लिए ले जाते हैं, मुझे भी ले जाएगा। क्या पर जाना, क्या गलती है? पसीना आ गया तो मुझे बुखार हो जाएगा। मेरा बापू एक लॉटरी टिकट ले लिया, खूब सारे पैसे मिलेगा तो मैं नहीं आऊंगा। क्या पढ़ना,
पैसे मिलेगा तो क्यों पढ़ना आने का? तो हमारा सार का बेटा क्यों स्कूल आता है? वो लोग बड़े अमीर है ना? वो तो सिटी में है ना, उन लोगों का स्कूल कितना बड़ा है मालूम है तुझको? बहुत बड़ा स्कूल है, हमको भी नसीब भी नहीं है भाई। उस खाना खाने के लिए टाउन तक जाना है क्या? जो तुम कर रहे हो ठीक है, जो टाउन में रहते हैं ना वो बहुत पैसे वाले हैं। अगर पैसे कमाने हैं तो हम टाउन जाना ही पड़ेगा। चोरी करेगा तो हमको टाउन भी जाना पड़ेगा। ओ क्यों? इधर चोरी करने के लिए घर नहीं है ना, इधर हमारा घर है उधर तुम्हारा घर है, घर में कुछ भी नहीं है उठाने के लिए। अगर हम भी बहुत बड़ा अमीर है तो कितना अच्छा लगता था, है ना? शंकर आओ ना। से बोल रहा है इस महीने का हिसाब चुकता करने के लिए। ठीक है भैया। ओए शंकर, क्या शंकर, क्या है रे खबर स्कूल में? क्या पुस्तक है? आप पढ़ लिखे है ना, फिर क्यों काम पर नहीं जाते हो? बहुत पढ़ाई के इसीलिए काम नहीं मिला। क्या बचपन में अगर यहाँ से जाता तो बच जाता। हाँ वो सब जोड़ो, घर चलते हैं। चल तू बैठ, मैं आ रहा हूं। हाँ अगर तुमको चाहिए तो ले लो। लो। आओ सोना बेटा। माँ, बाप और बहन नहीं तो हम लोग क्यों यहाँ रहते हैं? बहुत सारा रुपया मिलेगा तो बापों के साथ जीना कितना अच्छा लगेगा। Oh.
ए किरण उठ, उठना जल्दी। शंकर, 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 शंकर कहाँ चला गया है? शंकर, न जाने इस बच्चे इस वक्त कहाँ चले गए हैं। मैं पैसा कमाना जा रही हूँ, माँ मुझे ढूंढना मत। किरण, तुम 5 मिनट देरी हो गया। सॉरी डैड। छोड़ रही हूँ। अन्ना बेबी मेरे फ्रेंड है, उसे पीछे करके उसे तंग मत करना। मैं उसे कुछ भी नहीं बोला। तुम कुछ नहीं बोला है। This is my last warning. बॉस। स्कूल से लड़की से तुम्हारे लड़की बोलने के लिए तुझे कितना हिम्मत हुआ हा?
सच बताओ क्या हुआ बॉस? हमारे क्लास में एक लड़की है ना, वो लड़की मुझे देखकर हंसी, दो बार हंसी, इसे देखकर एक बार हंसी, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। तुझको पसंद आया? हाँ। वो क्या बोली? मुझे मालूम नहीं। वो लड़की तुझे पसंद करती है क्या? नहीं, वो तो मुझे भी देखकर हंस रही है। अरे जा जा। अरे बुद्धू सो, हम लोग इधर पढ़ने के लिए आते हैं, लड़की के बारे में बातचीत करने के लिए नहीं। तुम दोनों बताओ क्या चल रहा है, मैं वो लड़की को इधर बुलाऊं? इस तरह अगर झगड़ा हुआ तो टीचर से जाकर बता दूंगा। तुम लोगों को मालूम है दिलवाला दुल्हनिया का हीरो शाहरुख खान, वो मैं हूँ। पिछले परीक्षा में हर एक सब्जेक्ट में उनको जीरो मिला है, अब जाके डॉन बन रहा है। तू क्यों यहाँ खड़ा है सर? आओ मेरे साथ। किरण, तू हर एक फिजिकल ट्रेनिंग क्लास में तू एब्सेंट है, मैं प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दूंगा। सर अभी मैं आपसे नहीं हूँगा सर। ठीक है तब। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। चलो हम थोड़ा चलते हैं। क्या है आज का सोच हा? सर अरेंज मैरिज और लव मैरिज क्या अच्छा है? हाँ ऐसे पूछो तो अरेंज मैरिज ही अच्छा है, मेरे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो तो सबके अनुमति और सम्मान के साथ भगवान के सामने ही कर सकता है। लव मैरिज अक्सर ऐसा नहीं होता। मेरी मम्मा और पापा अरेंज मैरिज सर, फेमस चर्च में हुआ। अब डैडी और मम्मी के बीच की प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगा। तुम हर वक्त वो सोच के टेंशन न लेना, तुम अपना पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करो। कितने बड़े इंटरनेशनल स्कूल में आपको पढ़ाई के लिए दाखिल किया है। हमारे जमाने में क्या था, एक या दो छोटे किताबें, एक पेंसिल और एक रबर, यही था हमारे स्कूल के सफर में हमारा साथी। आपका साथी? हाँ बस इतना ही था। लैपटॉप और टैब के जमाने के आप ये सब नहीं समझेंगे। आज के जमाने में आप लोग कितने किताब पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए वही दो किताब काफी था। वो सब अब कहाँ मिलेगा सर? हमारे जमाने में तो हम ज्यादा खेलते थे और पढ़ाई भी करते थे। क्लास में जब टीचर बोलते थे गौर से हम लोग सुनते थे। उस वक्त हम लोग घर में भी आते तो बहुत सारे काम भी करते थे, बहुत सारे खेलते थे, बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा संपर्क रखता था। हर एक काम करते वक्त अव्वल नंबर में आना उस वक्त सब में जारी था। हमारे उस जमाने के लोग आज बहुत कम है। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आह राम साहिब का गाना गा के जो तू चाय बनाता है ना यार, साले बहुत बड़ा कलाकार है तू। क्यों उसमें कोई शक है क्या? तू जरा चाय तो पी के देख, तब पता चलेगा कितना बड़ा कलाकार हूँ। तू कोई मामूली कलाकार नहीं है, तू बहुत बड़ा कलाकार है, तुझे तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए।
खुदा की बख्शीश जिस पर होती है वही कलाकार होता है, समझ लो। आप जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसा ही सुबह सुबह बांग बजा रहे हैं ना, वो भी तो एक कला है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस कोचिन का बहुत बड़ा कलाकार महबूबा जो कहा है ये बांग भैरवी राग से बना है। ऐसा क्या? हाँ क्या है भाई? हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। सुबह सुबह खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं? ये सब घर पे बना के लेके आती है। सबका पसंद मजेदार नाश्ता लेके वो आ जाएगी। इनका यहूदी बीवी क्या दुकान जा रहे हो क्या? हाँ आप चर्च को जा रहे हैं ना, मुझे मालूम है। जल्दी जाओ नहीं तो बोर्ड जाएगा। और भाई कहाँ चल पड़े? नहीं यार वो सामान लेने के लिए गया इसलिए देर हुआ। उई मां भैया एक मिनट। हाँ हाँ बोलो। जरा ये पकड़िए ना। दो। ए रुको रुको मैं भी आ रहा हूँ। अरे जल्दी अंदर चढ़ो तुम। हाँ चलो चलो चलते हैं। ठीक है उस जूश लड़की का नाम क्या है? वो तो अनजान का नाम है हमको पता नहीं। बस यूं ही मत बताओ, आपके गांव जैसे बुरा नाम तो नहीं है ना? मेरा नाम यामी है। बहुत अच्छा नाम है। इतना अच्छा नाम तो हमारे गांव में किसी का भी नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है। अरे भैया मेरे पास पैसे नहीं है भैया सच्ची में भैया मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास अरे भैया नहीं है भैया भगवान मुझे छोड़ दो। रजनीकांत को मालूम है तो मर जाएगा। इनको तो मार देनी चाहिए। अरे चुप, रौड़ी लोग सुनेंगे तो तुझे यही पिटा कर मार डालेंगे। अरे क्या बे मेरा टाइम बर्बाद ना करो, निकलो यहाँ से। अरे क्या बे तू भाई को ही मारना चाहते हो? अरे कुछ नहीं भाई, हमारा भाई के बारे में तू नहीं जानते, एक मर दो टुकड़ा। झगड़ा मत कर, जाओ इधर। अरे पहले बोर्ड आने दो। अरे क्या यार ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? इस क्वेश्चन को नाव ले आया और इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिसिटी ले आया, ये सब यहूदियों का काम ही है। अरे आओ आओ आओ। देखो अंदर बहुत बड़ा माल है। क्या माल है यार? अरे अरे हट के, हट के, पैसा है बराबर उससे। हाँ हट जा, हट। अरे अरे हट जा ना, रास्ता दो। रास्ता छोड़ यार, उतर उसको। अरे साइकिल हटा यार, पैसा नहीं तो काय को। अरे यार ये देखो श्रीदेवी आ गई जमाने में, मैं भी आई थी। ओ बुढ़िया ज्यादा बात ना करो, तुम ये क्यों कह रहे हो? ए हट यार, तुम रास्ता पंगा मत लो, समझी? क्या करोगे? अरे कुछ नहीं है, निकलो निकलो पॉकेट में। क्या है? मैं कौन हूं? बेबस क्या करो, देखती हूं मैं। अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। यहूदियाँ सब इसराइल चले गए, मगर ये एक यहूदी लड़की को शादी किया ना, इसलिए एक तो बचा है इधर। एक लाइट चाय, एक स्ट्रांग चाय। मेरे लिए मीडियम काफी है। मेरे लिए तो एक डबल स्ट्रांग चाय देना। सुबह सुबह डबल स्ट्रांग चाय नहीं पिया तो काम नहीं चलेगा। भांगड़ो, मैं पीने के लिए अच्छा सा चाय चाहिए। वो सुन लिया, जो वो कह रहे हैं ना उनसे सीख ले, किसी को मीडियम चाहिए तो किसी को डबल स्ट्रांग। जो मुझे पसंद है वही पूछ सकती हूँ मैं। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। हाँ, प्रणाम। मेरे लिए दूध ज्यादा चीनी ज्यादा डाल के एक चाय बनाओ। हाँ, अच्छा दीदी को मेरा प्रणाम। मेरे को चाय जरा जल्दी देना। चाय पीने के बाद तू नाश्ता लेकर आ रही हो, थोड़ी देर होगी। अरे भाई जहाज के आए बहुत दिन हो गया और घर पे भी बहुत तंगी है। ये तो सोना हीरा कुछ नहीं चाहता है, थोड़ा शैम्पू सोप
जो विदेशी वॉच जो मिलता है ना वो बस ये तो इतना ही बेचता है, इसको स्मगलर बोलते हैं लोग ऐसा ना। अरे मस्तान भाई, एक कोच्ची वालों ने लिखा हुआ पहला हिट सॉन्ग क्या है बताए? जरूर बोलता हूँ, सब सुनो। 1954 में ये कोच्ची का मरिये कुट्टी नीला क्वील बोल के एक फिल्म बनाया, भास्कर मास्टर ने लिखा, राघवन ने म्यूजिक डाला, वो गाने को महबूब भाई ने गाया। बचपन में ये गाना मैंने उनको बहुत बार गाते हुए सुना है, बहुत ही मजेदार है वो। हाँ, वो दिन महबूब भाई के साथ उनका फ्रेंच लोग बहुत थे, हर शाम को वो लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इसके बाद शानदार कचेरी होगा। अरे वाह, क्या गाना है ना वो। अरे तुम सब क्यों दुकान खोल के बैठे हो, पहले गाना बजाना सब ठिकाने लगाकर तुम लोग ना एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो पनौती कहीं के। ऐसे लोगों कला के बारे में क्या जानता है, नालायक लोग है, बेवकूफ बेकार के लोग है। मैं जाके मछली मिला के देखता हूँ, नहीं तो आज के दिन खराब ही है। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं। अरे भाई, वो नाटक का बोर्ड नहीं रखा तूने, तो हीरोइनी मिल गई, हीरोइनी का काम तो ये कर लेगी। ये क्यों, मैं नहीं कर सकती हूँ क्या? मैं किया है तो सुना भी आ जाएगा। जरूर क्या? तेरे काम करने पे सुनामी नहीं आएगी, नाटक का उधार हो जाएगा। दुकान के बंद होने के बाद रिहर्सल यहीं रख लेंगे। ओके, चाय डबल स्ट्रॉन्ग पियेंगे ना। हाँ, हाँ, अभी हाँ। अभी बना देता हूँ, शाम को मिलेंगे। शाम में मिलेंगे। और लोगों को लेकर आ, चल वगैरह नहीं है क्या? अरे निकले जल्दी, निकल बंद करो। लगता है एक शिप आती है। मस्कलाइन या वोकलाइन? ए ए देख उधर, देखो मस्कलाइन आती है। क्या मस्कलाइन? हाँ भाई, मस्कलाइन आती है। जल्दी जल्दी तैयार हो जा रहा है, बहुत बढ़िया माल मिलेगा। बढ़िया। हाँ ए मस्कलाइन आ गई रे, अरे जल्दी आओ जल्दी, अरे जल्दी आओ। हाँ हाँ आए आए, चल जल्दी, चलो 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 जल्दी जाओ जल्दी। अरे भैया मस्कुलिन जहाज आ गया। अरे अरे मस्कुलिन आ गया। ए रामू, ए ए गोपाल, अरे अरे ब्रिज, अरे आ जा रे, मस्कुलिन आ गया रे, अरे जल्दी आओ। हाँ क्या बात है भाई साहब, मस्कुलिन आ गया। सल्ला जाकिर हुसैन। अरे कहाँ जा रहे थे, कहाँ ढूंढ रहा हूँ तुम्हें? सुन, मार्केट में बिकने वाला जो भी माल मिलेगा उसे फटाफट खरीद लेना, समझा क्या? हाँ हाँ हाँ, मिले तो चांदी नहीं तो बस सोना। अरे तुम ऐसा बात मत करो, मार्केट से 10 रुपए के ब्याज में लिया है मैंने। ऐसे बात मत करो, निकलो जल्दी, चलो चलो। हाँ कसके पकड़ लिया मैंने। हाँ हाँ चलो चलो। अरे कोई देख रहा है क्या? कोई नहीं देखेगा, मैंने ऑलरेडी सिग्नल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अरे जल्दी, चलना, जल्दी जल्दी। अरे जाओ जाओ, पास में जाओ, पास में जाओ, जल्दी चलो। आवाज मत करो यारो, वो चल रहा है ना, फिर क्या बात है? अरे कुछ जल्दी करो यार, तुझे डॉलर दिया ना, वो लोग वहाँ इंतजार कर रहा है। चलो चलो। अरे तुम चुप रहो, मुझे सब कुछ पता है। हाँ मैं भी मालूम, तुम किंग है। ए जल्दी जल्दी, सावधान सावधान, चलो। और कितना देर लगेगा उनको आने के लिए? अबे मुंह बंद के चुप रहे, तूने पैसा दिया है, स्मगलिंग साधारण काम नहीं होता है। मुर्गी 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 भाई, क्या माल है, पैसा कितना है? अरे साबुन सोप कुछ तो सामान दे। अच्छा, दो अच्छा ठीक है, भेजो भेजो ऊपर ऊपर भेजो। हाँ ठीक है ठीक है। ए साइलेंट से आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी चलो। अरे जल्दी चलो यार तुम लोग, चलो चलो। अरे वो देखो, बुरी तरीके से फंस गए हम लोग, कस्टम के लोग आ रहे हैं। अरे सब लोग आओ, जल्दी चलो जल्दी चलो चलो भागो, चलो 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 जल्दी चलो चलो भागो।
जल्दी कूद। अरे कहाँ गए वो लोग? अभी तक उनका कोई आता पता नहीं। मुझको लगता है कस्टम्स वाले आ गए होंगे। अरे मुंह साफ करो अपना, मैंने दूसरी बीबी का गहना गिरवी रखा है। यहाँ के लोग से तकलीफ हो या नहीं, ये कौवा तो बहुत परेशानी करता ही है। अरे जल्दी आओ यार, मैंने तुम्हें पैसा दिया, सबसे बड़ी गलती थी मेरी। क्यों भाई, निकला कि नहीं? हाँ ठीक है, इसको क्या हो गया? अरे लेट हो रहा है, जल्दी करो। थू, ये सब भी कोई देखने की चीज है? शर्म नहीं आती? ये जो खुले में करने का मजा है ना, वो अंदर नहीं मिलता। कल व्यापार के लिए दिए थे वो डॉलर है ये। पिछले बार $300 दिए थे, उसी के साथ एस्केप हो गया वो। मगर इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अबे अबे थोड़ा जल्दी कर, जल्दी निकाल। ओ मैं निकला गड्डी लेके रस्ते में, कस्टम्स वाला आ गया तो मैं क्या करूं? लो ये डॉलर पकड़ो और जाके खा लो। अरे डॉलर छुपाने को कोई और जगह नहीं मिली क्या? चला अब, चला और काम है हमें। अरे अच्छे से गिन के देख लो, सब सही तो है, इसका कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अरे भैया घड़ी लोगे क्या? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। अरे ले लो ले लो, 100 रुपए की घड़ी है, 100 रुपए की। सुनिए क्या, अरे ले लो ना, 10 रुपए की घड़ी 100 रुपए गया। अबे भाग जाए यहाँ से। अबे लेना है तो लेना, ज्यादा क्या बोलता है? तुझे तो मैं लात मारूंगा ऐसा। टाइम देखना आता नहीं, घड़ी खरीदने आ गया भैया। अरे मुझे छोड़ दो भाई, मुझे तो टाइम नहीं देखना। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा था भैया, घड़ी चाहिए घड़ी। अरे मुमताज कहाँ जा रही हो? मैं चर्च जा रही हूँ एक विनती मांगने के लिए। अरे डेली कुछ ना कुछ मांगती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या? मेरा क्या, मुझे रोज विनती मांगनी है। मैं चर्च जा रही हूँ, तुझे क्या? मेरे समस्या था भवन से कैसे बाकियों को कहाँ भेज दे हम। अरे भाई इसका पति तो बहुत बेचारा है यार। अरे जो जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया, थोड़ी देर में नेवी वाले आ गए, बाकी सबका नुकसान हो गया। इस बार थोड़ा जल्दी आ गए। अरे भैया कैसे हो, सब ठीक है ना? मोहम्मद भाई बेटी के निकाह में महबूब भाई गा रहे हैं। अरे वो तो मद्रास चले गए थे ना। भाई की तो बात ही अलग है, अगर यहाँ की शादी में भाई का गाना हो ना तो मजा नहीं आता। शाम को आईना नहीं देखना चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है। देखने से क्या होगा, मेरी सुंदरी की सुंदरता कम हो जाएगी। कम होने दो, ऐसे इतने लोग मुझे नहीं देखते हैं ना। को देखने दो, इस यहूदी लड़की को पूरे कोची को देखने दो। ऐसा कोई नहीं देखनी है। कुछ भी होने दो, शादी के घर में भी भाई का गाना शुरू हो गया होगा। प्यारे दोस्तों, आज इस निक्का में एक मजेदार कचेरी आपके लिए शुरू होने वाली है। पहली गायक हो हमारी नौजवान गायक, हम सबका मनपसंद समोवर साधु अब हमारे लिए गाएंगे। अरे भाई आप ही गा लीजिए। अरे आओ ना, आके बैठ के गाओ। क्यों ऐसे शर्मा रहे हैं तेरा आदमी? अरे गाओ गाओ, शर्माओ मत। गाइए ना। हाँ चालू करो। कैसा है, क्या हुआ? हाँ जी मैं जोड़ के शहर जा रहा हूँ। शहर? हाँ इतना ही है क्या? ये तो हमारे आजू बाजू में होता ही है ना, वो अभी वापस आ जाएगा ना। देखिए सब, वही मेरा इकलौता बेटा है। घबराओ मत, आप अभी फिलहाल घर जाइए, मैं उनको खोजने का बंदोबस्त करूंगा, आप जाइए। लड़का कहीं चोरी करने गया होगा, और नहीं तो क्या।
किरण, तुम अभी तीन चीजें मांग सकते हो। कोई भी चर्च में पहले बार जब जाते हो, तीन चीजें मांगनी चाहिए। पढ़ाई, स्थान और सफलता, यही होनी चाहिए तुम्हारे मन में। जीसस, प्यार कितना अच्छा लगता है। हमारा फैमिली में ये प्यार होना चाहिए। हमारा फैमिली
यकी होना चाहिए। आपसे मैं विनती करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। क्यों मुंह ऐसे मुड़कर जा रहे हैं? बीबी को देखकर आ रहे होंगे। हाँ देख लो ना। देखो बेटा, आज और कल का खाना तैयार रखी हूँ मैं। ओके आंटी। तो आंटी जाऊँ मैं? ठीक है। दैया रे दैया, हाँ ना जाने कहाँ आकर फंसी हूँ मैं। कुछ तो मैं भूल गई थी। जल्दी में खुल नहीं रहा है। ये रख लो। देखो बेटा, मैं जा रही हूँ, ठीक है? किरण, तुम्हें अपनी रिपोर्ट कार्ड मिली है क्या? कल मिलेगा डैड। तू झूठ बोल रहा है क्या? नहीं डैड, आज हमारा टीचर नहीं आई। किरण, क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हारी पढ़ाई की टाइम नहीं है क्या? पिछली टर्म क्लास में थर्ड पोजीशन था। अब कौन सा रैंक होगा रिपोर्ट कार्ड मिलने का बाद ही पता चलेगा। 5 साल के बाद तू प्लस टू पास करेगा। उसके बाद तू जो कोर्स करने वाला है उसका सीट के लिए मैं अभी से कोशिश कर रहा हूँ। लाखों रुपए खर्चा करके मैं तेरे को एक फ्यूचर बना रहा हूँ, उसके बारे में तुम कुछ सोचता है क्या? कल रिपोर्ट कार्ड को जरा आने दे, उसके बाद मैं बताऊंगा। लाखों रुपए खर्चा करके मैं तेरे को एक फ्यूचर बना रहा हूँ, उसके बारे में तुम कुछ सोचता है क्या? जो सावन उसे बुझाए, सावन जो अग्न लगाए उसे कौन बुझाए, ओ उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार उजाड़े उसे कौन खिलाए, ओ उसे कौन खिलाए। हमसे मत पूछो कैसे
मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का, कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मन मीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए, हो उसे कौन मिटाए, ना जाने क्या हो जाता जाने हम क्या कर जाते, ना जाने क्या हो जाता जाने हम क्या कर जाते, पीते हैं तो जिंदा है ना पीते तो मर जाते, दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए। भैया भैया उठो उठो, अरे उठो। तुम उठो उठो, अरे उठ जाओ उठो, समय हुआ जल्दी उठो। तूने मेरा मुर्गी चुराया क्या? तो मेरा चिकन पीस कहाँ गए भैया? अबे मोटे, अबे भाई ढंग से काम कर यार। छोटे छोटे खाया है क्या? जाकर खाओ ना, सभी समय खाने के बिना काम करते रहते हो। पिछली टर्म क्लास में थर्ड पोजीशन था, आप कौन सा रैंक होगा रिपोर्ट कार्ड मिलेगा बाद ही पता चलेगा। Thank you.
ए बेटा ए उधर रुको ना बेटा, 8B का किरण को देखा गया। हाँ सर, शाम को वो स्कूल बस में भी नहीं चढ़ा। उसका सब फ्रेंड्स को मैं फोन किया, उनको भी कुछ नहीं बताया उसने। मेरा शक वही है सर, वो और उनके लोग मिलके मेरे बेटे को। हे मिस्टर जोसेफ, आप टेंशन नहीं लेने का, हम उनको ढूंढ लेंगे ना। थैंक यू सर। माँ 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 उठो माँ। माँ माँ पानी 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 पानी। सर, यहाँ आदमी का जन्म से मरते दम तक संगीत जरूर है सर। वो मैं समझ गया हूँ। ये गांव पूरा कलाकार से भरा हुआ है सब। मैंने देख लिया। मैं शायद तो नहीं मगर फातिमा। क्या है? ग्लैमर कुछ कम हो गया क्या? हाँ हाँ। वो शर्ट लेकर आओ ना। हाँ आती हूँ, मैं शर्ट आयन कर रही हूँ। पोटीक ने ये तो उसके लिए भी डांटेंगे, इस उम्र में गाना की कमी है, वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, कवा आकर बैठेंगे। ऐसे मत बोलो, एक प्रोग्राम के लिए मैंने इस गांव आया और एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया, वही है तेरा साथ शादी। मैं यहाँ का बहुत बड़ा तबलिस्ट हूँ, वो मत भूलना। और एक बात समझ में रखना, हमें कभी भी क्लीन एंड डिसेंट होना चाहिए, समझी? तेरे पास कुछ पैसे है? हाँ बहुत ज्यादा है। तो छोड़, आप परफ्यूम बॉटल ले लो। रिहर्सल के लिए तो इतना कर रहे हैं और प्रोग्राम के लिए क्या करेंगे? इस म्युनिसिपैलिटी का सभी तबलिस्टों का सुल्तान हूँ। सुल्तान? बढ़िया है सुल्तान। तू देखो मेरा जान, मैं तबले में नाच करूंगा। नाच तबले के ऊपर नाच लेना आप तो। बकवास बंद करके तबला साइकिल में रखो बदमाश। आप ही साइकिल पे रख लो। तुझसे बात करके कोई लाभ नहीं, तुरंत तबला साइकिल में रखो। ये लो तबला, आप ही रख लो। तेरी सिर्फ तेरे भाई होने के वजह से वो बच गया मेरे हाथ से मेरे जान। अरे मेरे साले, एक बात याद रखो, इस म्युनिसिपैलिटी का बहुत बड़ा तबलिस्ट हूँ मैं। रमणन का खून, स्टोरी डायरेक्शन टिप टॉप असिस्ट, नाटक का उद्धार हो जाएगा। दुकान के बंद होने के बाद रिहर्सल यहीं रख लेंगे। मांग करते हैं रमणन का खून, स्टोरी डायरेक्शन टिप टॉप असिस्ट, इसमें एक्ट करने वालों का नाम भी रखना चाहिए था, सही है ना? तेरे को कोई और काम नहीं है क्या? चलना यहाँ से। यही है वो कलाकारों का गांव।
तो फिर ठीक है, मैं यहीं उतर जाता हूँ। सावधान सावधान। रोक लो भाई। अरे ओ सधु और फ्रांसिस, आप लोगों के लिए ये प्रेस वाला आया है। नमस्ते, तुम्हारे बारे पढ़ने और लिखने के लिए मैं आया हूँ। पढ़ने लिखने के लिए स्कूल नहीं है ना। आप फोटो लेना चाहे तो हम दोनों का ले लीजिए। जरूर, खड़े हो, नाटक तो लगता है अभी से हिट हो गया। मेरा भी कीजिए। अरे कभी ना कभी तो सिनेमा में चांस मिलेगा। भैया आप जरा जाके टिकट बेच लीजिए, एक कलाकार लोगों को गणित समझ में नहीं आता। जरा अपने जाहिर जाना तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। साहब साहब को मस्तान के पास ले जाते हैं। हां थोड़ा इनको चाहिए वो दे दे। हां इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा थोड़ा दाएं मुड़िया। ओके। कोची के बारे में सुनकर, महबूब भाई के बारे में सुनकर बहुत लोग मुझे अप्रोच किया है खाने के लिए। ये देखो, यही महबूब भाई। ये जो पोस्टर देख रहे हैं ना, यही तो पहला आया सब पिक्चर है मलयालम में। वो दिन मैं यहाँ से एर्नाकुलम जाकर चारना देख के चार बार ये पिक्चर देखा हूँ। उसके बाद अपना पैरामाउंट टॉकीज में 3 दफा देखा मैंने। हाँ अच्छी तरह देखो। मैं गायक महबूब से मिलना चाहता हूँ और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। भाई तो आजकल कोची आते ही नहीं है। वो एर्नाकुलम में कहीं रहता है, पहले अब्दुल वकील से मिलने के लिए आ रहा था, आजकल वो भी नहीं। ये क्या है? ये तो छापा है। एक जमाने में छापा लेने के लिए क्या कष्ट उठाया मालूम? ये लेने के लिए सुबह सुबह आके बैठे रहेंगे। पर क्यों? ये रहा तो इस शिफ्ट में काम मिलेगा। ऐसा क्या? आजकल तो वहाँ यूनियन आ गई है ना। हाँ पहले वो सब नहीं था। दोस्तों हम म्यूजिक क्लब जा रहे हैं। हाँ हम अभी आ जाएंगे। अरे रुकना, हम भी आते हैं। आओ आओ। यही है हमारा म्यूजिक क्लब। सच बताऊं तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने यहाँ पे आके गाना ना गाया हो। आजादी मिलने से पहले कई बार महबूब भाई ने भी यहाँ पे गाना गाया है। हाँ मैंने सुना है। वो देखिए, वो है यीशुदास के पिताजी अगस्तिन जोसेफ। ओ नाटकों में खुद गा के अभिनय करते थे, जानते हैं ना। क्यों भाई शुरू करें क्या? वो नया आदमी कौन है? आइए आइए, दोनों बैठिए बैठिए, ये हमारे बारे में लिखने के लिए आए हैं। नमस्ते भाई साहब। बैठिए, महबूब भाई के गाने सुनाने के लिए हमारे गांव में हमारा मुख्यमंत्री भी आया था, आप भी सुनिए। उन्हीं के बारे में गजल गा दीजिए। भाई का वो फेवरेट गाना है ना, वो गा दे। श्रुति क्या है भाई? 2.5 मात्रा में। वही है ना, ठीक है। भाई मेरे प्यारे आओ। भाई क्या हो गया? भाई आपकी ये हालत कैसे हो गई? जमीन पे मत लेटिए भाई। इससे आगे मैं यहाँ ही सोना पड़ेगा। मुझे घाट के ले जाने वक्त फूल जैसा लेके जाना। किसी को वजन बनना नहीं चाहता हूँ। नहीं बेटा, फोटो ये नहीं। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। आगे से कोचिन में मेरा शिष्य लोग गाएंगे। इन लोगों को, तस्वीरों को पत्रिके में छापो। भाई क्यों ऐसे बेकार बातें कर रहे हैं? नहीं तो उसका सांस तो निकल जाएगा। क्यों ऐसे हमारा नाम बर्बाद कर रहे हैं? अंदर आकर सो सकते हैं ना, अंदर तो आइए ना। आराम से आराम से आराम से, संभल कर आइए। न जाने ऐसे क्यों जान ले रहे हैं, बात तो नहीं मानते हैं ना।
अपने लिए थोड़ी सी भी जमीन खुद की नहीं रखते हुए सिर्फ संगीत और मौसीकी के लिए अपनी जिंदगी जीने वाले उस कलाकार को जो गाने उन्होंने गाए हैं और उनकी यादों के साथ जो तन्हाई में रहते हैं वो उन्हें मारती है मगर वो एहसास नहीं कराते हैं आज तक जो जी रहे हैं। एक महान आदमी यामी भाई की हालत बहुत बुरी है किसी रिश्तेदार के घर पे है बेचारे खुदा उनकी उम्र और थोड़ी लंबी कर दे। कल मैं जब मंदिर जा रही हूँ ना के लिए प्रार्थना करती हूँ उसी समय में मैं मेरे माँ बाप के समाधि तक जानी है। अगले बार कब आएंगे? खुदा की बख्शीश हो तो अगली ईद पर जरूर आएंगे। कौन से शहर में क्या हुआ तभी सही झंडा फहराने के ये लोग जरूर आए। पर्व का ऐलान करना ही तो हमारा मकसद है ना, और हमारे इस मकसद की अल्लाह ताला ने पूरी बख्शीश दी है हमको। अल्लाह की मेहरबानी। खुदा हाफिज। आइए चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अब निकलेंगे तो शाम तक पहुँच ही जाएंगे। कहाँ है तुम्हारी बीवी और यहूदी लड़की? क्या हुआ सर, क्या बात है? वो सब बाद में बात कर लेंगे। यहूदी वंश की आने वाली लड़की तुम्हारी बीवी कैसे बनी? काली यहूदी लड़की को तो गोरा यहूदा भी नहीं शादी करता, फिर कहाँ से मिल गई ये लड़की तुम्हें? अरे सुनो इधर आओ। जनाब क्या तुम इसे जानती हो? मैंने जो पूछा है उसका जवाब चाहिए मुझे, जवाब दोगी या नहीं? मालूम है सर, वो इसके भाई है। अच्छा हुआ इसमें कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। आप दोनों के ऊपर इन्होंने पुकार दिए है, इसी का प्रूफ है ये कागज। हाँ इसके बारे में मैं तो जानता हूँ, यहूदी मालिक जोसेफ रफान को जब तक धरती में चांद रहेगा तब तक इनको ये 72 राइट्स तो है, वो समझाने वाले डॉक्यूमेंट तो ये डॉक्यूमेंट है। उस पत्र में जैसा लिखा है उसके हिसाब से आप इन लोग की जगह पे ठहरे हो। या तो पूरा जायदाद इनके नाम कर दो, नहीं तो तुम ही पैसे दे के ले लो इसको। मैं तुरंत इसराइल जाना चाहता हूँ, ये जायदाद पूरी मेरी है और इसके बारे में एक अंत करना चाहता हूँ। सब जल्दी होना चाहिए नहीं तो दोनों को अंदर ढकला दूंगा। चलो चलते हैं। जो कुछ वो लोग कहा वो सब सच है। काली यहूदी कांदान में पैदा हुआ, गोरी यहूदी यामिनी से प्यार हुआ, इसको कांदान वाले जान ले। ये जानते ही इसका पापा और मम्मा सागर पे कूद कर सुसाइड किया।
ये देखते ही यामिनी का भाई रिश्तेदारों को कैसा मुंह दिखाना ये जानना बिना ये गांव छोड़ के चले गए। वो दिन चला गया इसकी भाई, आज वापस आया है। कितना भी सोच, अभी क्या करना है, कैसे करना है। तुमने जब मुझे बताया तभी मुझे पता चला इस गांव में बहुत सारे जेशु पहले रहा करते थे। ऐसा सब होगा मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। दोस्त तूने एक काम करो, वो मार्केट के पास में एक सेठ है ना, उसके पास कुछ पैसे इंटरेस्ट में मांगो, बाद में उसको दे देंगे। हाँ, उसे छोटी छोटी किस्त में वापस कर देंगे। अरे ध्यान से, आज से मैं नाटक नहीं करूंगा। क्या नाटक में सिर्फ दो दिन बचे, अगर तुमने आएगा तो क्या होगा। ये नाटक और नाच हमारे मन को खुशी देने के लिए ही, तो और कुछ मत सोचो, नाटक के लिए तैयार हो जाओ। हाँ मुझे भी वही ठीक लग रहा है। कोई जल्दी आइए ना। क्यों, क्या हो गया? या हल्ला, क्यों, क्या बात है? आप आकर वहाँ तो देखिए ना। कहाँ देखेंगे, क्या देख रहे हो यहाँ? वो वहाँ है, फांसी लगाकर सुसाइड किया वो। ऐसे डायरेक्ट करूंगा ऐसा टॉर्चर किया तो? और एक बार करो। कोई जल्दी आइए ना, जल्दी। क्या, क्या हो गया? या अल्लाह, क्या बात हो गई, बोलो ना। एक बार उस तरफ तो देखिए ना। कहाँ देखने को कह रही हो? उस पेड़ के ऊपर देखो। हे भगवान, कोई वहाँ तो मरा हुआ लटका रहा है। या अल्लाह, ऐसा कैसे हो गया? ये दोनों मिलके तो कमाल ही कर देंगे। आप जरा देखिए तो, कल नाटक सुपर हिट होने वाला है। रंग जमा दे। अभी है ना मेरा सीन। हाँ हाँ, मिस्टर गणेश कांत से आप इंटरोगेट कर रहे हैं ना, वही है नेक्स्ट सीन। क्या है तेरा नाम? गणेश कांत। क्या गणेश कांत, क्या रजनीकांत का रिलेशन है तू? रिश्तेदार नहीं हूँ साहब, बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ, अभी फैंस भी कांत रखना शुरू किया। हे, वहाँ क्या कर रहे हो यहाँ? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आओ इधर। तुम उस तरफ जाकर उसको इस तरफ आने को कहा। तू क्यों मेरे पीछे खड़ी है, तू इधर आ जा। ठीक है। हे लड़की, तेरी नाम क्या है? फातिमा। तूने किसने पूछा? नॉनसेंस, मैं पूछ रहा हूँ, तू हंस रहे हो? बहुत हंसी आ रही है, चुप कर। अगर वो कहेगी तो भी तो वही नाम बताएगी। क्या वो बात कर नहीं सकती? बहुत जल्द हो जाएगी। बताओ क्या है? माँ, बहुत जल्द माँ हो जाएगी। शाहजहान के मुमताज जैसे दिख रही हो। हाँ, देखो ऐसे शर्मा रही है। घर में लड़की अकेली है, मैं जाती हूँ। क्या है भैया, साइकिल में आए हैं क्या? साइकिल में आया। हाँ ठीक है। भैया भैया, नाटक कैसा था भैया? बहुत बढ़िया कलाकारी थी, मजा आ गया। आप सबने बहुत अच्छा काम किया था। तबले वाला भाग गया, जब गाने की महफिल मिली तो नाटक को ठुकरा के भाग गया। नाटक बहुत बढ़िया था। अरे 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 पुलिस भाई, तू और थोड़ा सा एक्टिंग कर ले। मैं ऐसे ही एक्ट करता हूँ, आप जैसे और एक्टिंग मुझे नहीं आता भाई। अरे तुम मेरा मजाक बना रहे हो, मेरा मजाक बना रहे हो तुम। अरे भाई का मजाक बना रहे तुम? हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, पर तू मत डर, सुंदर सी लड़की को मैं चोट नहीं पहुंचाता। हमें फालतू में परेशान मत करो और यहाँ से निकलो। मेरी बीवी से बदतमीजी से मत करो। इतनी अच्छी सी लड़की मिली है, तू अब मजे उठाएगा खाली? मैं भी तो मजे लेना चाहता हूँ। हाथ मत लगाओ। भाई से हाथ रख दे, मारो उसे, मारता हूँ मैं इसको अभी। अरे देख लूंगा तुम्हें, नहीं करना है। आप प्लीज जाइए, बोल रहे हो इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी। जाइए। यहूदी की लड़की जो इसे मिल गई है, इसीलिए इतना नाच रहा है। इसको तो मैं पक्का किसी भी हाल में हासिल करके रहूंगा। बात मानो भाई साहब। चलो यहाँ से। मेरे भाई तुम जा रहे हो या नहीं? चल रहे हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जाओ ऐसे। हाँ चलो चलो, चलता हूँ। चलो सब लोग जाओ जाओ। अरे चलना यहाँ से, चलना। ये कौन? ए तू जा। भाई कल मार्केट मेरे साथ आएगा क्या? साइट के बारे में तो तू जानता है ना? हाँ, सुबह सुबह तो दुकान पे आ जाइयो। देख भाई थोड़ा संभल के रहियो, जिसको तूने मारा है ना वो कोई मामूली आदमी नहीं है।
जो चाहे वो कर सकता है, उससे डर के नहीं जाया जा सकता। कल मिलते हैं। हमें मत आने देना, अगर आ गए दिया तो तब तक तुमने जो पैसा दिया था और तुम्हारा होटल दोनों ही गोविंदा जला देंगे, समझे? अबे डराओ मत यार, साइन कर दो, साइन करो। हाँ डाल दिया सेठ। ये पकड़ा नहीं छोड़ना, ये पकड़ा, अरे 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 खेल है आज का मौसम। अरे देखो इधर वो खड़ी है, एक बार नहीं जान चाहिए, ये लो जीत हासिल कर लिया। गिराने वाला है जाऊंगा तो क्या करेगा, देखते हैं कौन जीता है, क्या करेगी। पकड़ लिया तेरी बीवी का हाथ, क्या करता है आप सबको पता है किसी तरह इसी के साथ पहले एक किरण यहाँ आया था क्या? नहीं तो देखो आप लोगों का केस कोर्ट में पड़ा हुआ है और आप अगर कोई होशियारी किया तो वो कानून के खिलाफ होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। आपका बेटा 2 दिन से मिसिंग क्या? है। एक माँ अपने बेटे के प्यार के कारण, हो सकता है कि आप अपने बेटे को छुपा के रखा हुआ है। देखो सर केस तो चल रहे हैं, जब मेरा बेटा कोर्ट आ रहे हैं तब भी मैं देख रही हूँ। वो भी उसी वक्त मेरे बेटे को देख रहे हैं। ठीक है आप चिंता ना करना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर। हे मिस्टर, एक सुबूत मिला हुआ है अपने को ढूंढने के लिए। सर बिना कोई मुश्किल के साथ मेरे बेटे को मेरे को दिला दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है सर, मेरा दुनिया में सिर्फ वही है। मिस्टर जोसेफ हिम्मत रखिए, हम ढूंढ लेंगे। थैंक यू सर। मुश्किल से काम करेगा तो भी पैसा नहीं मिलता है, क्या करूं मैं? क्यों पैसा चाहिए, खाना काफी है ना। अबे जान अबे, वैसे भी मेरे को यहाँ से बचना ही पड़ेगा वरना पुलिस के हाथ में फंसेंगे। मैं अपना पुरानी कहानी तुमको नहीं बताया, अम्मी के मरने के बाद मेरा और छोटा भाई के देखभाल के लिए ही अबू ने दूसरा शादी किया, लेकिन उनकी व्यवहार हमारे और अच्छा नहीं था। एक दिन मैं उनको कुएं में धक्के देके मैं वहां से भागा। वो औरत जिंदा है या मरा है मेरे को नहीं मालूम,
किसी भी तरह से मेरे को यहाँ से बचना है। अबे ओए, इसको जरा देखना। हाँ, इसको जरा सिलाई करके रखना। अभी अभी चाहिए, अभी चाहिए। अरे अभी अभी चाहिए। हाँ रुको, क्या रे बहुत देर से यहाँ घूम फिर रहा है? हाँ वो तो सर। तेरा नाम क्या है? माइकल सर। और तुम्हारा? स्टेफी। और मैटर क्या है? सर मेरा एक दोस्त का दुकान था यहाँ पे, इसीलिए वहाँ गया। हाँ ठीक है, निकलो घर जा। ओके सर। चल 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 चल। ओके सर। चलो चलो जल्दी चलो। पापा पापा हमको यहाँ से बचने के लिए एक काम मिला है। वो क्या है?
दूर देश में माल ले जाने वाली ट्रक में ड्राइवर की सहायता करनी है। मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद जैसे बहुत सी जगह पे जानी है, बहुत पैसे भी मिलेंगे। लेकिन हम में से सिर्फ दो ही जन जा सकते हैं। क्या भाई, क्या मैं और शंकर चले जाओ? उसके बाद दो महीने के बाद तुम लोगों के लिए भी रेडी कर दूंगा। शंकर, शंकर तू सो गया क्या? खराब हुए मांस को कौन चुएगा बेटा, किसी को पसंद नहीं आएगा। चिंता मत कर। देखो भाई, मैं चलूं? पापा मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ए दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द बराए गीत कहाँ से इन होठों पे आए। दूर कहीं ले जाए, भूल गया क्या, भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचो तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देखे, झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बन कर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा। मैंने तुमको देखा,
मन संग आंख मिचोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो हम लोग चलो क्या? तुम लोग को जल्दी ले जाएंगे। शंकर, बहुत कुछ तुमको देना मेरा हाथ में नहीं है। बहादुर भाई, तो फिर मिलेंगे। ये दो बिस्कुट है, अगर भूख लगे तो खा लेना, लो। तो जाओ क्या? फिर मिलेंगे। भैया जल्दी चलते हैं। वो है तेरा गाड़ी शंकर, तो मैं चलूं क्या? ठीक है, हाँ अंदर आ जाओ। बैठो ना, ओ दरवाजा बंद करना, ओ बाजू में बैठा। तो बेटा कैसा, अच्छा है क्या? ओए क्या हंस रहा है रे? अच्छा लग रहा है क्या? अरे गाड़ी चलाने ही क्या? आज हो आजा आजा। अरे अरे मुन्ना जरा बाजू में आके बैठो ना। क्या हुआ रे? क्या हाँ
अरे कुछ नहीं भैया मुन्ना, अरे ऐसा ही है ना। अरे आजा मेरा मुन्ना, आजा 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 आजा, चलो नजदीक आकर बैठ, आजा। क्या हुआ, तो बाजू में आकर बैठना। अरे आ जा बाजू में, आ जा आ जा आ जा आ जा। आजा आजा आजा, ड्राइव कर ड्राइव कर। अरे आजा, अबे अरे कुछ नहीं है मुन्ना। अरे क्या हुआ मुन्ना, क्या प्रॉब्लम? फुल टैंक मार देना। ओ भैया बिल में थोड़ा एडजस्ट करने का है। खालिद साहब ने अपनी जिंदगी बहुत ही शान से जी है, सिर्फ संगीत ही उनकी जिंदगी थी। उनके मन में जितनी भी कविताएं थी उससे वो दूसरों के मन को छू जाते थे। वो कोई मामूली आदमी नहीं थे। पूरे दक्षिण भारत में, ज्यादाकर कोड़ीकोड और कुची में, उनकी गजलों को बहुत लोग चाहते थे। एच महबूब नाम के एक बड़े कलाकार ने गालिब साहब की सभी गजलों को बहुत मशहूर कर दिया था। क्या आप जानते हैं महबूब और उनकी कुची, ये सब? बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। महबूब साहब जब वहाँ पे थे उस समय मैं भी वहाँ पे था, लेकिन इमरजेंसी। कानून के हिसाब से, 352 के एक्ट के हिसाब से, आज से पूरा देश इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। ये देश की जनता को ये संदेशा देना हमारा कर्तव्य है। इस कानून के हिसाब से आज से 4 या उससे ज्यादा लोग अगर एक साथ खड़े हुए तो उन्होंने कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, वो लोग तुरंत गिरफ्तार किए जाएंगे पुलिस वालों के द्वारा। इससे देश की शांति और भरोसा है कि आपका पूरा जनता का सहयोग हमारे साथ मिलेगा। कानून के हिसाब से, 352 के एक्ट के हिसाब से, आज से पूरा देश इमरजेंसी को घोषित कर दिया है। ये देश की जनता को ये संदेशा देना हमारा कर्तव्य है। इस कानून के हिसाब से आज से 4 या उससे ज्यादा लोग अगर एक साथ खड़े हुए
तो इमरजेंसी के वक्त उस गांव के तकरीबन सभी लोगों को पुलिस ले गई थी। इमरजेंसी के खत्म होने तक वो कहां गया मैं कुछ नहीं जानता। वो जेल में था या हॉस्पिटल में था किसी को कुछ नहीं पता। सच बताऊं तो इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद ही वो पूरा गांव थोड़ा सा स्थिर होने लगा था। शार्प टाइप के हैं हाँ। ले क्या बोलो तो खत्म करके आ जाते हैं। अगर कभी कुछ गलत हो गया तो इस शाहूकार को तुम गलत मत कहना हैं। उल्टा नाव को चलो। अरे भाई सुना है तुझे, वो रउडी फिर वापस आ गया। देखते समय बहुत दुख हुआ, उसका एक पाँव कट हो गया। मुझे एक छोटा काम है, मैं बाद में आऊंगा। अरे उस दिन वो बहुत मार खाया। सिर्फ पाँव गई, मरा नहीं है ना? मर जाता तो कोई परेशान नहीं थी, उसका एक पाँव कट गया है, वो जरूर वापस आएगा बदला लेने के लिए। हाँ हाँ दो इडली और एक बड़ा जल्दी। अरे सुनाई नहीं दिया क्या, दो इडली और एक वड़ा जल्दी से। हाँ हाँ अभी देता हूँ। अरे ये पगला गया है क्या, इडली मांगने से चाय रख रहा है। हट। कोई इज्जत नहीं देते, सब लोग कुत्ते जैसे देखते हैं हमें। पता है ना, 3 महीने पहले गुरु का मृत्यु हो गया था, उनके जाते ही सब खत्म हो गया। अभी देखो भाई,
अब आप आ गए ना, अभी हमें एक विश्वास आ गया। मैं भी एक फैसले के साथ आया हूँ, चिंता मत करो, मैं आ गया ना, हमारे ऊपर जो डर है लोगों का वो कायम रहेगा। इमरजेंसी पीरियड में ये पुलिस वालों कितने लोगों को मार डाला है जानता है क्या? इस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। ये क्या बात कर रही हो तुम? ये देखो, तुम डरो मत। वो सेठ और उस रावड़ी को उस सेठ और उस गुंडे से बचने का कोई और तरीका बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी ऐसे बहुत सारे काम पहले किए हुए हैं यार, इसीलिए तो तेरे बारे में कहते ही वो लोग मान गए। बड़े भाई ने एक बार कह दिया तो उसके बाद कोई बात नहीं होती। कस्टम्स और पुलिस तो बड़े भाई के नाम से थथराते हैं। बड़े भाई का मतलब? अरे बड़े भाई, बड़े भाई का मतलब है इस थोड़ा पास जा जल्दी। धातु है।
एक और बार चला गया तो मेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। खुदा आपका जरूर भला करेगा। जो नालायक इंसान है इस दुनिया में, एक इंसान दूसरा इंसान के लिए मदद करता है, ना सोचो ले। ढोलपुर हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष में सांस्कृतिक परीक्षा जो हुई, हमारे मुल्क से जो अव्वल नंबर में पास हुए, हमारा देश का यही सम्मान जो है मास्टर अबू, बड़े खुशी से हम यहाँ स्वागत करते हैं। राजनीतिक तट पर और सामूहिक तट पर एक ही जैसे कार्य करने वाले अपना सामूहिक मंत्री डॉक्टर एम के मुनीर सर को भी हम स्वागत करते हैं। अपने मुल्क के दुर्वस्था के बारे में अपने कविताओं के सहारे जोर देने वाले प्रशस्त कवि और लेखक श्री मुरुगन काटाकड़ा को भी हम स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण बनने का कारण यहाँ बैठे विशिष्ट अतिथियों के कारण है। इनके कुछ लफ्जों को हम सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे,
यहाँ मेरे साथ आए हुए प्रशस्त कवि मुरुगन काटाकड़ा, रेवरेंड फादर रोजारियो, आज के विशिष्ट अतिथि अबू सलीम और सबको मेरा सलाम। ज्ञान अग्नि है, वो चाहे जितने भी अंधेरे में भी उजाला देती है, 1000 बाहों को शक्ति देती है ये उजाला, यही अग्नि। मेरा ये कहना है, ये नौजवान हम सबका भाई अबू हर एक विद्यार्थी के लिए एक अच्छा उदाहरण है। बहुत सारे कष्टों को झेलकर ये नौजवान काफी प्रयत्न करके ये ज्ञान प्राप्त किए हैं। इनको मैं आपके सामने बड़े प्यार के साथ सम्मान करता हूं। फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसो दूर हो जाता है, खुशियों का कवल मुस्काते हैं, सुन के रहट की आवाजें यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइया लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा, यह अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे दिल तो ऐसे धड़क रही थी, कहाँ गई थी तू? ये बेटा कौन है? अरे भगवान, अंदर आओ बेटा। तो ऐसा ही अबू ने शंकर को देखा है ना? हे अल्लाह, किसी मुसीबत आने से पहले इस बच्चे को बचा दिया। घर छोड़कर आने के बाद कभी भी तेरे माँ के ख्याल आए है क्या? आए। क्या सोचा था तू? माँ तो वहाँ गाय को सिर्फ वही सोचा है क्या? आने के बाद मालूम है तेरे माँ को कितनी चिंता होगी। मैं चिट्ठी लिखकर आया हूँ, उसमें वापस जाऊंगा ऐसा लिखा। कोई बात नहीं, मालूम है तुझे अगर अब 10 मिनट लेट आया है तो मेरे दिल धड़कने लगती है।
किसी भी माँ को ऐसे ही होगा। छह महीना हो गया है मुझे ये एक पांव दर्द आकर। इस दर्द के वजह से मुझे काम नहीं जाना पड़ रहा है। मुझे कितने भी मुश्किल हो, जब मेरा बेटा मेरे साथ होगे तो मुझे खुश होता है। सभी माया ऐसे ही सोचते हैं, उसके जान के ज्यादा उसके बच्चे को देखते हैं। वो बच्चों को ना समझना ही माओं का एक शाप है। अरे पता चल रहा है कौन है, कैसे है, कैसे सब मालूम नहीं है। देखो देखो भाई साहब, मुझे भी दिखाओ, मैं देखूंगा। हटिए। अरे जरा से पकड़ो। साहब जी ये तो पाव है। नहीं छोड़ना, पकड़ो पकड़ो उसे, छोड़ो पकड़ो इसे। अरे पकड़ो उसे, आप भाग रहे हो उसे, पकड़ो पकड़ो। कहां भागा तू? ए पकड़ा, पकड़ लिया, पकड़ लिया। आ जाओ, उसको दबाओ।
मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन हमें पुरानी दुश्मनी थी, वो सब जानते हैं। कुश्ती में जब वो लड़ाई हुई तो सीधा शक मुझ पे ही गया सबका। मुझे बचाने की बड़े भाई ने बहुत कोशिश करी, लेकिन उनसे ना हो पाया। आजीवन कारावास दे दिया गया था मुझे। जामी एक बार जेल आई थी, कोई भी रिश्तेदार नहीं है उसके, कितने दिन ही अकेले जिया जा सकता है। मैं भी आपसे मिलने के लिए जेल में आया था, याद है आपको? अरे तुमसे मिलने के लिए कोई आया है, जल्दी चलो। जल्दी चलो। मेरे मरने की खबर भी कोई नहीं पड़ेगा। एक चाय की दुकान चलाने वाले गायक को आप क्या लिखेंगे अब? नहीं, मैं तुमसे और कुछ कहने के लिए आया था। अपने महबूब भाई का इंतकाल हो गया। रहिए अब ऐसे जगह चलकर। 1930 में ब्रिटिश आर्मी में हवलदारों को बैरट में छोटा मोटा मदद कर रहा था ये महबूबा। बंगालियों, राजस्थानियों, ऐसे सब लोग था मिलिट्री में। वहां मिर्जा गालिब का उर्दू शायरी गा रहे थे एक छोटा सा बच्चा, वही फिर नाम नशर हुआ ये कुची का महबूब भाई। ये खबर मिलते ही जब लोग वहां पर आए तो उनके अनाथ शरीर को देखकर लोग तड़प उठे। अरे देखिए बहन जी, इस शरीर को ऐसा पड़ा रहना शोभा नहीं देता। बहुत लोग इनको देखने का इंतजार कर रहे हैं। हम इसे कोचिन ले जाए क्या? नहीं, पहले से भी कई लोग आए हैं कोचिन को लेके जाने के लिए। इनको तो वो पसंद नहीं है। अगर मैं मर गया तो यही दहन करने के लिए वो बताया है। ठीक है, कम से कम उसे स्कूल के पास तो ले चलते हैं। अब्दुल्ला जी, हमारा भाई। हाँ बेटा, देखो चेहरा देखो। हाँ चलो, हम लोग पाठशाला के पास ले जाते हैं। चलो उठाओ, आराम से आराम से। क्या हुआ इसे? अरे नहीं, अरे मैं उसे ले जा रही हूँ। अरे हटो, हमारे प्रिय साथी एच मोहम्मद की मृत्यु के बाद आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए पाठशाला के पास हनीफा के घर में अंतिम संस्कार करने के लिए रखा गया है। इनका पार्थिव शरीर कल सुबह ही पूरे रीति रिवाज से दफनाया जाएगा। कुछ के लोगों को हजारों ना भूलने वाली गजल देने वाले उस महान कलाकार का पूरे सम्मान से खाक सुपुर्द किया गया। अरे यार वक्त खत्म हो गया। अरे जल्दी बाहर चलो।
तेरा पेपर सब कुछ रेडी हो गया है। भाई साहब, इस जेल में तुम बहुत दुख अनुभव किया होगा। आज से संतुष्ट और संगीत मिला हुआ तेरा पुराना जीवित तुम्हें फिर वापस मिलेगा। ये ड्रेस बदल कर सुपरिंट का रूम में आ जाओ। आओ, अंदर आओ भाई। सर सर। लो, यहां एक साइन करो। सर, जेल से जाते वक्त कोई बोलता नहीं है कि मैं वापस आऊंगा। जाओ। भाई तू वापस आ गया। भाई मेरा, भाई वापस आ गया। भाई मेरे, आज चल। तो चाय बना दे माँ। कौन है जानता है तू? मुझे तो मालूम हो गया है। बेरहमी से आपको इतने साल जेल में रखा है। रास्ते में जब फ्रांसिस ने बात बताई तभी मुझे भी पता चला। वो मरने से पहले तुझे ही कभी कभी याद करते हैं। शुगर बढ़ गया था तो सभी उंगलियां काटनी पड़ी। बहुत दिन दुख झेलने पड़े थे, अंत में ईश्वर ने उन्हें बुला ही लिया। उनके मनपसंद गानों को भी नहीं गाया वो मरते तक। मुझे एक बच्चे जैसे देखभाल किया है मुझे। छोड़ दीजिए, अब उनके बारे में बात मत कीजिए। ना जाने तुझे देखकर क्या क्या कह दिया मैंने। अरे मैं जाकर चाय लेके आती। नहीं, अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में आके पीता हूँ। काले यहूदियों ने गोरे यहूदी जैसा मंदिर घुसने के लिए हक मांग रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। हमारी स्वतंत्रता के लिए जो फाइट किया ना, यहूदियों की गांधी माना जाता। सैलम कोच का कोचिन है ये। यूदर के बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, पर मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। पहले तो जूश लड़की रहने वाली थी ना, वो अब कहाँ रहती है? वो कुछ भी नहीं किया फिर भी जेल में है। उनका इंतजार में ही मैं ये बूढ़ा जी रहा हूँ। और बहुत कुछ कहानियां है, मैं तुम लोगों के बोलना।
ये छोटे मोटे लहरों है ना, हर एक लहर के लिए एक कहानी बोलना पड़ेगा। ठीक है सर, अगले बार जब आते हैं हम यहाँ आएंगे। फिर मिलेंगे, अगली बार सारे कहानियां बोलूंगा। ठीक है दादाजी। आइए आइए जल्दी से चलो चलो। कौन है वो? मैं फ्रांसिस हूँ। हाँ, कोई विदेशी को कहानी बोलना तो अब नहीं होगा, तू बाद में आ। इतने दिनों से जिसका आप इंतजार कर रहे थे उसको लेके आया हूँ। मैं हूँ समावर। बेटा आओ, कैसा है तू? मैं तो जानता था तू एक दिन मुझे ढूंढ के यहाँ आओगे। ए फ्रांसिस, मैं बोलता ही रहा ना, वो तो एक दिन जरूर आएगा। ये गांव और बुढ़ा को छोड़ के ये तो कहीं नहीं जा पाएंगे। भैया आप अच्छे तो हैं। मैं तो बुढ़ा बन गया, आने का वक्त आ गया। फिर भी जाने से पहले तुझे देखने के लिए आश था, और किसी के लिए नहीं। तब तक तुझे नहीं देखा तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, तेरे यामिनी ऐसे ही बोल के गई थी। यामिनी? अबे आओ बे, आओ। भिखारी कहीं का, जेल में रहते हुए वो मेरा पैसा वापस कैसे करेगा? पूरा सामान बाहर निकाल के उसको जला दो। हाँ, जला दो सबको। सेठजी धैर्य ना। कौन है? घर को मत जलाइए, धैर्य। क्यों ऐसे कर रहे हैं? चले जाओ यहाँ से। किसी भी तरह आपका पैसा। क्या तुम मेरा पैसा अभी इस वक्त दे सकती हो? आने दीजिए। हाँ, बोलो। ये तो आपको पैसा देना ही है, वो तो जरूर दे देगी। जरूर देगा, लेकिन कौन देगा? तुम दोगे क्या? सुनो, इस शाहूकार के लेन देन के मामले में कुछ असूल है, एक पैसा दे दो वरना ए जला दो सब कुछ। सेठ जी कुछ मत करो आप, इसको तो रोड में ना फेंको। सेठ जी जब वो वापस आते हैं ना आपका पैसा चुकाने के। कैसे दोगी हैं? अबे निकल जाओ। अबे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पूरा जला दो। नहीं, जला दो। शाहूकार का पैसा अगर वापस नहीं किया तो सभी के साथ यही अंजाम होगा, जान लेना। सेठ जी पूरा जला दो, जला कर राख कर दो सब। शाहूकार को कोई नहीं जीत सकता है। देखिए भैया, आप लोग तो बहुत अन्याय कर रहे हैं। ए, सब कुछ जला के राख कर दो, कुछ नहीं बचना चाहिए। हो गया, बस आ जाओ, चलो चलते हैं। सबको भगवान दंड देगा। हाँ, तुम लोग कभी अच्छे नहीं रहेंगे। देखिए क्या भी हो, यामिनी के साथ देख नहीं पा रहा था उसकी भाई। यामिनी की यहाँ छोड़ा तो वो तकलीफ ही उठाएगी, ऐसा सोच के वो यामिनी को इससे लेके चले गया। एक ना एक दिन तू आएगा और तू आके मुझसे मिलेगा, ऐसा विश्वास पर ही वो निकली। वो भी जरूर एक दिन वापस आएगी। तू यहीं सोएगा क्या? चल यार घर चलते हैं हम। आकाश की ओर देखते हुए जब यहाँ लेटा हुआ हूँ मैं, सभी चिंताओं से दूर होता हुआ सा लगता है। सागर के उस पार गई वो यामी, उसके बारे में वो सुंदर यादें, आज रात में यही रहूँगा यार। तू चला जा, मेरी बात मान यार।
क्यों क्या हुआ? ओ मस्तान भाई था ना, कुछ हो गया रिश्ता? किस शहर से आए थे, किस शहर में उनका जन्म हुआ, कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ के लोगों को अपनी कहानियां सुना के और एक दिन वक्त आने पर कहानी सुनाने वाला वो मस्तान भी चला गया। शादी के घरों में और मेलों में गाने वाले मुझसे अब इस गांव में नहीं रहा गया। अपने सफर की शुरुआत करें, बहुत लंबा सफर था वो। भूख का दर्द क्या होता है वो मैंने खुद महसूस किया था। मैं खुद को भूल गया था और उस सफर को जारी रखा। कई संस्कृतियों और कई तरह की संगीत के इस कोची से संगीत की गहराइयों को खोजते हुए जो एक सफर शुरू किया था मैंने, वो सफर मुझे एक पंडित जी के पास लेकर गया था। गाए थे और मिर्जा गालिब के बोल सभी एक साथ बनते चले गए जब वो बहान गाते थे। मिर्जा गालिब की वो जिंदगी और एच महबूब की वो जिंदगी एक ही रास्ते पर सफर कर रहे थे, ये मुझे उनको देखने पर जानने को मिला। उनके संगीत को सुनने पर मन को शांति मिलती है। सात सुरों से भरे उस हिंदुस्तानी संगीत को जब वो गाते थे मन में इंद्रधनुष सा खिल जाता था। पंडित जी ने इस सफर में मुझे एक नया रास्ता दिखलाया था। नए साल के स्वागत के लिए दुनिया के हर कोने से कोचीन में लोग यहाँ आते हैं। मैं चाहता हूँ आप भी सर वहाँ आए और चाहता हूँ आप मेरे साथ आए आपके कोचीन। रोको, क्या हुआ यामी? यामी उस गाड़ी में मेरी यामी गई है। जल्दी गाड़ी में बैठो, उस गाड़ी के पीछे जाओ। हाँ? मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? मैं एक संवाददाता हूँ, यहाँ कुछ टूरिस्ट आए थे ना,
एक ट्रैवलर वैन में। वो लोग प्रेयर फिनिश करके गए, उसमें वो काला युद्ध लोग कुछ लोग है ना, वो पुराना लकड़िया भेजने वाला गुड़न है ना, वहाँ गया है। यस, चलो जल्दी चलते हैं। हेलो भाई। अरे डालो डालो काट डालो, ये बाजी तो मैं ही मार के रहूंगा। ये तो तू पहले ही डालना ये था। लो मेरा। पकड़ो। मुझे भी ये काट चाहिए। काश मैं इसको डाल लेता। दे लो। अरे कहाँ जा रही हो बहन जी? प्रार्थना करने के लिए। क्या है मेरे बहना, तुझे कुछ खबर नहीं है क्या है? एक समय में एक युद्ध लोगों का चर्च था। हाँ, अब तो गाय बकरा काटने वाला जगह बन गया। हमने यहाँ प्रार्थना की थी। वो सब उस समय में है, अभी एक गुड़ौन है गुड़ौन। पहले ये जहाँ एक कलेक्टर के पास था, फिर वो कलेक्टर ने एक सेठ के हाथ में ये दे दिया, बाद में वो सेठ जी उतनी रखवाली को दे दिया। नौकरानी बेचने वाली है। ले लो। हमारा चाहिए तो आप ही ले लो। हम यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ हाँ करिए करिए, प्रार्थना करिए। इधर गाय है, भैंस है, बकरी है और हम भी हैं। हमारे लिए दुआ मांगिए। चलो तुम चलो। तू काट डालो। अरे वो अरे पुलिस चलो, आ गया। चलो पुलिस आगे लगता है। चलो चलो भागो भागो भागो। चलो चलो अंदर चलो चलो चलो। रह रहे थे मगर इसका हमेशा दिल यहां तुम्हारे पास ही था। बेटा क्यों इस तरफ आ रहे हैं? मम्मी 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 किरण मम्मी मत रो बेटा मत रो। शंकर बेटा शंकर तेरे बेटे को छोड़ो। छोड़ नहीं, अरे छोड़ रे बेटे को। छोड़ बोले ना। ए क्या कर रही है तू? छोड़ उसे। छोड़ बच्चे को। छोड़ दो। छोड़ ए रुको रुको। छोड़ तू। ए मारूंगी तुझे। ए मेरे बेटे को छोड़ो। छोड़ उसे। मैडम मैडम प्लीज मारिए मत मारिए मत। मैडम आप उनको मारिए मत, कुछ मत कीजिए। मेरे बेटे को छोड़ो। मेरे बेटे को छोड़ो। नहीं नहीं कुछ नहीं करने को उनको। डैडी आ जा बेटा।
बेटा कैसे हो तुम? नो सर, दरअसल गलती हमारी है और वो पहचानने में हमें कुछ देर लगा। चलो। शंकर, शंकर, शंकर।
कुछ नहीं धोना है, रख लो वहां, मैं धो लूंगी। कोई बात नहीं, आप लेटे रहो। काफी दिन से सोच रहा था आने के लिए, लेकिन सिर्फ अभी टाइम मिला। शंकर जितना चाहता है उतना पढ़ाओ उनको, ये बोलने के लिए हम आए।